बस्तर में किया ध्वजारोहण, कहा संविधान में दिए नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, कोई कानून आड़े आएगा तो निपटेंगे। आजादी के 70 साल बाद अमूझमाड़ में गूंजे भारत मां की जयकारे, जिस सरपंच ने शहादत दी उनके डीआरजी जवान बेटे ने किया ध्वजारोहण। एमपी के रीवा में सीएम ने ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी, कहा सुपारी कलाकृतियां दुनिया भर में भेजेंगे, कर्मचारियों के एरियर्स का होगा भुगतान। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने फहराया तिरंगा, राज्य और केंद्रीय पुलिस की टुकड़ियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 72वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मंगलवार को बस्तर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बस्तर में विकास कार्यों को साझा किया। उन्होंने कहा कि संविधान में दिए नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, कोई कानून आड़े आएगा तो उसे भी निपटेंगे। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अफसर और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान निर्माताओं की चिंता को साझा करें, आपस में विचार विमर्श करें, संविधान के आधार पर देश चले, हमारे संसदीय लोकतंत्र की गौरवशाली परंपराओं का मान कायम रहे। आदरणीय बुजुर्गजनों, माताओं, बहनों, साथियों और प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय जोहार। हमारे महान राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं परल कोट विद्रोह के नायक अमर शहीद गायन सिंह और उनके साथियों को नमन करता हूं, जिन्होंने सन 1857 के पहली व्यापक क्रांति के पहले ही छत्तीसगढ़ में आज़ादी की अलग जगाई थी। उनकी ज्वाला को वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ाया और फिर पूरा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उस दौर के सभी नायकों और भारत माता के गुमनाम सिपाहियों को मैं सादर नमन करता हूँ। आज़ाद देश को अपना भाग्य विधाता बनाने का अवसर हमारे महान संविधान ने दिया, जिसे बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूपण समिति के सभापति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के विचारकों और कानूनविदों ने संविधान सभा तथा विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। इनमें हमारे छत्तीसगढ़ के कानूनविद भी शामिल थे। आज मैं उन सबको नमन करता हूँ। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हम में सांप्रदायिक अंतर है, जातिगत अंतर है, भाषागत अंतर है, प्रांतीय अंतर है, इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों की, दूरदर्शी लोगों की, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो छोटे छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें
और उन पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ सकें जो इन अंतरों के कारण उत्पन्न होते हैं। हम केवल यही आशा करते हैं कि देश में ऐसे लोग प्रचुर संख्या में सामने आएंगे। ते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा छत्तीसगढ़ हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के आशाओं के अनुरूप सद्भाव और समरसता के रास्ते पर अडिग रहा, जिसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति बहुल अंचल तथा ग्रामीण जनता है, जिन्हें विकसित स्थानों एवं लोगों की बराबरी मिलाने के लिए विशेष जतन की जरूरत है। जब हम संविधान के प्रावधानों पर चिंतन मनन करते हैं, अवसरों की बराबरी की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं, तो हमारी आँखों के सामने उसी तबके के चेहरे अधिक नज़र आते हैं जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। मुझे कहते हुए संतोष होता है कि हमारी सरकार ने बीते दो वर्षों में विशेषकर इन तबकों के हक और हित में बड़े कदम उठाए हैं। देश के लोगों ने आज नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर आधारित निकली झांकी को न केवल बड़ी उत्सुकता के साथ देखा, बल्कि इसके उन्मुक्त कंठों से सराहना भी की। ये झांकी नेशनल मीडिया के साथ ही लोगों के दिलो दिमाग में छा गई। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर आधारित राज्य की झांकी देश भर के लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी। वहीं ये सोशल मीडिया पर भी छाई रही। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार इसको सराहना मिल रही है। आपको बता दें कि ये झांकी छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैयार की गई है। इस झांकी के निर्माण के लिए पिछले दो महीने से तैयारी की जा रही थी। कई प्रस्तावों पर विचार करने के बाद इस झांकी का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ की झांकी में छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव को प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोकवाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ बड़े ही खूबसूरती ढंग से दिखाया गया है। प्रस्तुत झांकी में छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर से लेकर उत्तर में स्थित सरगुजा तक अलग अलग अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले लोकवाद्य शामिल किए गए हैं। इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्थानीय तीज त्योहारों और रीति रिवाजों में निहित सांस्कृतिक मूल्यों को भी रेखांकित किया गया है। झांकी के ठीक सामने वाले हिस्से में एक जनजाति महिला बैठी है जो बस्तर का प्रसिद्ध लोकवाद्य धनकुल बजा रही है। छत्तीसगढ़ में देश के 72वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों, संस्थानों के अलावा नागरिक संगठनों, प्रतिष्ठानों और सामुदायिक भवनों में तिरंगा फहराया गया, देशभक्ति के गाने गाए गए और मिठाइयां बटी। गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य जो कार्यक्रम है वो रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। यहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ध्वजारोहण किया, पुलिस बैंड ने जनगणमन धुन बजाई और हवाओं में फूलों की पंखुड़ियां बिखेरी गईं। राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों ने राष्ट्रीय ध्वज और राज्य की संविधानिक प्रमुख राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा की परिवीक्षाधीन अधिकारी रत्ना सिंह ने किया। इस टुकड़ी के सेकंड ऑफिसर इन कमांड के रूप में परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक सतीश भार्गव थे। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मंगलवार का दिन बेहद ही खास रहा। नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले अभूझमाड़ में भारत माँ के जयकारे गूंजे। इसके साथ ही गणतंत्र के आगे गणतंत्र हार गया। जिस पाहुरनार गांव में राष्ट्रीय पर्व पर हर बार काला झंडा फहराया जाता था, वहां आजादी के 70 साल बाद गणतंत्र दिवस पर तिरंगा लहरा रहा था। खास बात यह है कि गांव के सरपंच ने विकास और तिरंगे के लिए अपनी शहादत दी थी। आज उनके ही डीआरजी जवान बेटे ने ध्वजारोहण किया। दरअसल गणतंत्र दिवस के दिन सुबह 6 बजे से ही एसपी अभिषेक पल्लव अपने जवानों के साथ इंद्रावती नदी पार बसे गांव पाहुरनार पहुंच गए। इस दौरान गांव में सन्नाटा था। ग्रामीण जो बाहर दिखाई दे रहे थे,
वे भी घर के अंदर चले गए, जबकि जवानों ने वहां ध्वजारोहण की तैयारियां शुरू की। जवानों को देख दो तीन बच्चे उनके पास आए, इस पर जवानों ने उन्हें तिरंगा पकड़ा दिया। बच्चे तिरंगा हाथ में लिए फहराते हुए खुशी खुशी दौड़ रहे थे। उनके हौसले को देख ग्रामीण भी एक एक कर एकत्रित होना शुरू हो गए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गणतंत्र दिवस के अवसर पर रीवा SAF ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद विंध्य की धरती पर ध्वजारोहण करने आया हूं। उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन और कर कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर देश में आज़ादी की ज्योति जलाई। अंग्रेजों से अंडमान निकोबार द्वीप को आज़ाद कराकर नेताजी ने तिरंगा फहराया। आज उन वीरों को नमन है जिनके त्याग और बलिदान से देश को आज़ादी मिली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नशे के सौदागरों से भावी पीढ़ी को खोखला नहीं होने देंगे। हर समाज के युवाओं को हम बचाएंगे। पढ़ने के लिए हर वर्ग के छात्रों का खर्च बीजेपी की सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ग के विकास के लिए पिछड़ी जाति की तरह सवर्ण आयोग गठित करेंगे। मध्य प्रदेश में 10% गरीब सवर्ण को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा एक वर्ष पहले प्रदेश में कोरोना महामारी का संकट आया। हमारे डॉक्टर नर्स पुलिस और प्रशासन के लोगों ने अपने प्राण संकट में डालकर आम जनता की सेवा की। मैं तो चौथी बार करो नहीं मैं मुख्यमंत्री बना। लड़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी लेकिन हमने धैर्य नहीं खोया। मुझे याद है जब मैं पहले दिन 23 मार्च को शपथ लेकर वल्लभ भवन गया, हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थी, हमारे पास PPE किट नहीं थे, अस्पताल में बेड्स का इंतजाम नहीं था, दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आपके सहयोग से प्रदेशवासियों इस स्तर पर यह व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। 4 महीने बिना नागा के हर दिन कोरोना की हमने समीक्षा की और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 54,000 टेस्ट एक दिन में करने की क्षमता मध्य प्रदेश की धरती पर हमने विकसित कर दी। मास्क हो, PPE किट हो, सैनिटाइजर्स हो, अस्पताल में बेड्स हो, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB News। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एमपी में कैबिनेट बैठक से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से कहा कि प्रदेश में शराब माफियाओं का पूरी तरह अब उन्हें कुचला जा रहा है, इसके लिए अभियान पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। हम माफियाओं को पूरी तरह समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे, इसमें किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने मंत्रियों से कहा कि सभी मंत्री अपने अपने विभागों से संबंधित एक इनोवेटिव आइडिया दें, इस पर विचार विमर्श करने के बाद लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा। सभी विभाग समीक्षा करके जरूरी तैयारी कर लें। गेहूं की खरीद को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले साल बेहतरीन काम हुआ था, इसी तरह धान की खरीद भी ऐतिहासिक रही है। मध्य प्रदेश के किसान संतुष्ट हैं। संबल योजना के हितग्राहियों के खाते में 222 करोड़ रुपए आज जमा कराए जा रहे हैं। 20 जनवरी को रोजगार मेले होंगे, इसमें सभी मंत्री सहभागिता करें। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह तात्या टोपे स्टेडियम में मनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में खेल और युवा कल्याण यशोधरा राजे सिंधिया की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस मौके पर यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि के द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। बता दें कि इस बार परेड में शामिल टुकड़ियों ने मास्क पहनकर परेड की है। एमपी के भोपाल के निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। शासन ने स्कूलों में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं, इससे बच्चे अपनी सहूलियत से परीक्षा दे सकेंगे। लेकिन राजधानी के कुछ निजी स्कूल सिर्फ ऑफलाइन वार्षिक परीक्षा ही ले रहे हैं। परीक्षा देने के लिए बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों से एक सहमति फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसमें लिखा है कि इस दौरान बच्चा कोविड-19 से संक्रमित होता है तो इसका जिम्मेदार स्कूल को ना ठहराया जाए। कॉर्मल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल यह फॉर्म भरवा रहा है। इसमें लिखा है कि बच्चों को स्कूल में आकर परीक्षा देनी होगी। फॉर्म में ये भी लिखा है कि स्कूल में बच्चा कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसका जिम्मेदार स्कूल नहीं होगा। इस फॉर्म को भरने में अभिभावक परेशान हो रहे हैं। स्कूल में 1 फरवरी से वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। अभिभावकों ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से परीक्षा कराने की मांग की है। दूसरी ओर सोमवार को डीपीएस नीलबर्ग के कुछ अभिभावक भी ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। डीईओ कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक में थे, इस कारण अभिभावक कलेक्टर कार्यालय पहुँच गए। उन्होंने कलेक्टर को इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो इंदौर ने गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय उपलक्ष्य में कोरोना काल के दौरान कोविड-19 की लड़ाई में जो कोरोना वॉरियर्स थे उन्हें सम्मानित किया। प्रथम चरण में परदेशीपुरा थाने पर 26 जनवरी को परदेशीपुरा के पुलिस निरीक्षकों को, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो को सम्मानित किया गया। मैं
नेशनल ह्यूमन राइट्स इंक्वायरी लगभग आज प्रदेशों पर धरने पे योद्धाओं का सम्मान करा गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी थे जिनका कार्य सराहनीय था, जिन्होंने ये देखा गया कि कुछ जनता को खाने की जब समस्या थी तो पुलिस वाला पुलिस की तरफ से अपने स्वयं के पैसे से उनको भोजन व्यवस्था कराई गई, मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई, साथ ही सैनिटाइज का काम और व्यवस्था को बड़ी अच्छी तरीके से संभाला गया, जिसके लिए उनका सम्मान करना बनता है। आज हमारी टीम के द्वारा यह प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया। कितने पुलिसकर्मियों का सम्मान किया? हमने करीब 8 पुलिसकर्मियों का सम्मान करा गया है। 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बेटमा प्रभारी संजय शर्मा के द्वारा झंडा वंदन कर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर समस्त पुलिस स्टाफ के द्वारा परेड कर राष्ट्रीय ध्वज की सलामी ली गई। वहीं दूसरी ओर युवाओं के द्वारा जोश और उमंग के साथ गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर जीवन ज्योति कॉलोनी से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें युवा अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए भारत माता की जय, गणतंत्र दिवस अमर रहे के नारे लगाते हुए वाहन रैली के रूप में निकले। तिरंगा यात्रा जीवन ज्योति कॉलोनी से शुरू हुई। वहीं हर साल बेटमा नगर के अंबेडकर चौराहे पर झंडा वंदन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष झंडा वंदन नहीं हुआ, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मार्च से दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इसके बाद दिल्ली वासियों को राशन लेने के लिए लंबी लाइनें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार उनके घर राशन भेजेगी। केजरीवाल सोमवार को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली सचिवालय में ध्वजारोहण समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर कोरोना काल के कामों पर केजरीवाल ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मार्च के महीने तक डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन चालू कर दिया जाएगा, जिसमें अब लोगों को राशन की दुकान पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 25 किलो गेहूं 10 किलो चावल मिलना है तो 25 किलो की पैकिंग में साफ सुथरा गेहूं या आटा और 10 किलो चावल की एक बोरी बनाकर घर पहुंचा दिया जाएगा। लोगों को किसी दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, कहीं पर लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। पूरी शासन व्यवस्था को बदलने के लिए ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि झुग्गी वालों को मकान देने की हमारी योजना बहुत तेजी से चल रही है, उनके लिए कई मकान बन चुके हैं। लोगों से इस मामले में सहयोग मांगते हुए केजरीवाल ने कहा है कि कहीं कहीं पर झुग्गी में रहने वाले लोग फ्लैट में शिफ्ट होने से थोड़ा कतराते हैं। ऐसे लोगों से गुजारिश है कि झुग्गी में आपकी जिंदगी कोई अच्छी जिंदगी नहीं है। दिल्ली सरकार अच्छे फ्लैट बनाकर दे रही है, सब लोग फ्लैट में शिफ्ट हों, इससे जिंदगी बेहतर हो जाएगी। एक समय हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले बहुचर्चित महम कांड में रोहतक की अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने इस मामले में केस को दोबारा शुरू करने की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इससे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और अन्य लोगों को बड़ी राहत मिली। इस मामले में अब दोबारा केस शुरू नहीं होगा। 27 फरवरी 1990 को हुए इस बहुचर्चित महम कांड को लेकर कोर्ट के सभी फैसले पर सभी की निगाहें लगी हुई थी। जहां बचाव पक्ष ने इसे सच्चाई की जीत बताया है, वहीं विपक्ष पार्टी के वकील ने हाई कोर्ट में जाने की बात कही। बता दें कि 27 फरवरी 1990 को महम उपचुनाव के दौरान बेंसी में बवाल हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। इस उपचुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला उम्मीदवार थे। यह मामला बंद हो गया था, लेकिन केस फिर शुरू करने के लिए सितंबर 2018 में सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। रितुवाई के बहल जो हमारी एडिशनल सेशन जज है रोहतक, उसमें वो बहस हुई, हमने अपनी पैरवी की, हमने अपनी दलीलें दी, सुप्रीम कोर्ट का भी लो दिया और हमने सारी बातें उनको बताई, हमने दलील दी। हमारी दलील को मानते हुए उन्होंने
आज ये 25 तारीख को बहुत एक अहम फैसला सुनाया। अभय सिंह के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, अभय सिंह की वहाँ प्रेजेंस नहीं थी, अभय सिंह के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये केस डाला गया था, क्योंकि एक राजनीतिक मामला ये तूल पकड़ा हुआ था। और आज अभय सिंह के खिलाफ कोर्ट ने ये मान लिया कि अभय सिंह वहाँ मौजूद नहीं थे और उनकी कंप्लेंट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।